इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं तो इसका मतलब है कि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो और यूट्यूब चैनल के लिए आप एक नए ईमेल आईडी क्रिएट करना चाह रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप किस तरह से एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उससे आप अपना प्रोफेशनल चैनल बना सकते हैं। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और चलिए मैं आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पे लेके आता हूँ और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। एक एक को ढूंढ लेना है जिसका नाम है जीमेल। आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है एंड जीमेल को जैसे आप ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा एंड पहले से जो आपका जीमेल है वो यहाँ पे आपको लॉगिन मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है एंड जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड अनदर अकाउंट का। आपको सिंपली एड अनदर अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको गूगल सेलेक्ट कर लेना है एंड जैसे आप गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपका स्क्रीन पासवर्ड है वो आपको दे देना है एंड उसके बाद जो है ये आपको गूगल में ले जा करके ओपन कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका एंड उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट अकाउंट का। आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है एंड फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक फॉर माई पर्सनल यूज और एक फॉर वर्क और माई बिजनेस। आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है फॉर माई पर्सनल यूज। आपको सिंपली ये सेलेक्ट करना है एंड इस पे आपको क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है अब फर्स्ट नेम में आपको क्या करना है, आपका जो नाम है आप अपना नाम दीजिएगा फर्स्ट नेम। जैसे मेरा नाम है विपिन तो मैं यहाँ पे देता हूँ विपिन एंड लास्ट नेम में क्या देना है, लास्ट नेम में जो आपका सरनेम है, या तो आप कुमार देते हैं, आप राज देते हैं, मंडल देते हैं, या आप यादव देते हैं, यानी कि जो भी आपका सरनेम है वो आप यहाँ पे सरनेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुमार देता हूँ तो विपिन कुमार लिख दिया एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको बर्थ डे देने का एंड जेंडर देने का। तो यहाँ पे आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है एंड यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना बर्थ डे देता हूँ यहाँ पे मैं अपना बर्थडे दे दिया हूँ एंड जेंडर जो है जेंडर पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप एक लड़की हो तो आपको फीमेल देना है, अगर आप लड़का हो तो मेल देना है। तो यहाँ पे मैं मेल दे देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ फिर नेक्स्ट पे क्लिक आपको कर देना है एंड जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आता है क्रिएट ए जीमेल एड्रेस। अब यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल किस तरह से जीमेल आईडी बनाइएगा वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे आपका नाम है तो आपको अपना नाम दे देना, जैसे मेरा नाम विपिन है तो विपिन दे दिए, या कोई आप अपना नंबर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ SNR एंड यहाँ पे आप कुछ भी एक नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे दिया हूँ एंड उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है एंड जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड रखने के लिए आएगा। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड रखना है, लेकिन पासवर्ड में कुछ ऐसा पासवर्ड रखना है जो कि दूसरे लोग आपके पासवर्ड को पता ना लगा सकें। तो यहाँ पे कुछ आप अपने नाम का लेटर दे सकते हैं एंड यहाँ पे स्पेशल करेक्टर्स कुछ दे सकते हैं जैसे एट द रेट है और उसके बाद कुछ नंबर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ नंबर यहाँ पे एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा एंड उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आइएगा तो यहाँ पे SIM का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है एंड जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड टर्म्स कंडीशन आ जाएगा। आपको सिंपली अगर रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं, अगर रीड नहीं करना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, नीचे आना है एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है एंड जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इस ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ, आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके मेरा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं।
तो आज की इस वीडियो में यही छोटा सा जानकारी देने वाले थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को और भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।